मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान की पेशगोई, जंगलात में लगी आग कम करने में मदद मिलेगी। माहरीन का कहना है कि बारिश खतरे को कम करने के लिए काफ़ी नहीं। कनाडा में मुल्क बदरी के खतरे से दो चार भारतीय तलबा के लिए रिलीफ। कैनेडियन हुकाम का मुल्क बदरी के लिए ताखीर का हुक्म। भारतीय तलबा का कहना है कि फैसले से वक्ती सुकून मिला है। टोरंटो पुलिस ने मेयर के उम्मीदवार क्रिस साकोकिया को गिरफ्तार कर लिया। क्रिस साकोकिया को कत्ल की धमकी के इल्जाम का सामना है। पुलिस ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। वाइपर जॉय, भारतीय रियासत गुजरात में रेड अलर्ट जारी। तूफान वाइपर जॉय कल शाम गुजरात की जाखवा पोर्ट को अबूर करेगा। मुंबई में तूफान के जेर असर हवाओं की वजह से मुतादित परवाजें मनसूख। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lighto Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कनाडा में सैकड़ों मकामात पर जंगलात में आग भड़क रही है। तहम मुल्क भर में तूफान की पेशेंगोई बहुत जरूरी बारिश ला सकती है, लेकिन ताकतवर हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में सैकड़ों मकामात पर जंगलात में आग भड़क रही है। तहम मुल्क भर में तूफान की पेशेंगोई बहुत जरूरी बारिश ला सकती है, लेकिन ताकतवर हवाओं और बिजली गिरने का खतरा भी है। एनवायरनमेंट कनाडा की जानिब से मुल्क भर में बारिश की पेशगोई की गई है, जो जंगल की आग से लड़ने वालों को कुछ राहत फराहम कर सकती है, लेकिन माहौलियात कनाडा का कहना है कि यह खतरे को बुझाने के लिए काफी नहीं है। माहरीन मौसमियात का कहना है कि मुल्क जंगल की आग के मौसम में इंतहाई खुश्क हो गया है और जून में बारिश की पेशगोई मामूल से कम है। इस हफ्ते मुतवक्के बारिश की मकदार इस जंगल की आग के मौसम में खतरे की सतह में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां नहीं करेगी। इस हफ्ते पूरे मगरबी कनाडा में बदलते मौसम से जंगल की आग का धुआं प्रीरीज के ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों, खास तौर पर अल्बर्टा और जुनूब मशरक कबल मसीह के कुछ हिस्सों में मुंतकिल होने की भी तवक्को है। कनाडा में 447 फाल आग हैं, जिनमें 226 काबू से बाहर हैं। नोवा स्कोशिया में जंगल की तमाम आग पर काबू पा लिया गया है। हुकाम के मुताबिक बारिश क्यूबैक में आग बुझाने की कोशिशों को तकवीत दे सकती है। क्यूबैक के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर का कहना है कि बारिश की पेशेंगोई उम्मीदें बढ़ा रही है कि आने वाले दिनों में सूबे के 7,200 से जायद आग से निकाले गए अफराद अपने घरों को वापस लौट सकेंगे। सर्द मौसम अल्बर्टा टाउन के करीब आग से लड़ने में मदद कर सकता है। कंट्रोल से बाहर आग एडमॉन्टन के मगरब में एडिसन की कम्युनिटी के लिए खतरा बनी हुई है, लेकिन हुकाम को उम्मीद है कि दर्जा हरारत में तब्दीली आग बुझाने वालों को आग पर काबू पाने में मदद देगी। वस्ती अल्बर्टा में कम दर्जा हरारत पैदा होने की पेशगोई की गई थी, जिससे हवाएं 30 किलोमीटर फी घंटा और 30 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। एक और तूफान के शुमाल मशरकी ब्रिटिश कोलंबिया में मुंतकिल होने की पेशगोई की गई है, जहां हुकाम जंगल की आग की गैर मुस्तहकम और तेजी से तैयार होती हुई सूरत हाल को बयान करते हैं। BC वाइल्ड फायर सर्विस का कहना है कि इस वक्त सूबे में 77 फाल जंगल की आग जल रही हैं। वैनकोवर जजीरे की एक अहम शाहरा, जो जंगल की आग की सरगर्मी से मुनक़ता हो गई थी, कम अज़ कम मज़ीद 10 दिन तक बंद रहेगी और जुलाई के वक्त तक पूरी तरह से खुली नहीं हो सकती। कनाडा में मुल्क बदरी के खतरे से दो चार भारतीय तलबा का एक ग्रुप कुछ दिनों के लिए सुख का सांस लेगा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा में मुल्क बदरी के खतरे से दो चार भारतीय तलबा का एक ग्रुप कुछ दिनों के लिए सुख का सांस लेगा। 16 तलबा को मंगल की सुबह डिपोर्ट किया जाना था। तलबा ने कैनेडियन हुकाम की जानिब से
मुल्क बद्री के हुक्म में ताखीर का खैर मकदम किया है। एक हिंदुस्तानी बैन अल-अक़वामी तालिब इल्म जिसे मंगल की सुबह कैनेडा से मुल्क बदर किया जाना था अपने मुल्क बद्री के हुक्म में ताखीर का खैर मकदम कर रहा है। तकरीबन 16 तालिब इल्मों के इस ग्रुप का कहना है कि कैनेडा में उनका मुस्तकबिल ख़तरे में है जब उन्हें यह पता चला कि एक एजेंट ने उन्हें मुबैना तौर पर कैनेडा के एक स्कूल में जाली पेशकश के खतूत दिए। तुलबा का कहना है कि मुल्क बद्री में ताखीर हुई लेकिन ये अभी तक मनसूख नहीं हुई है। हमें खुशी है कि इसमें ताखीर हुई क्योंकि हमारे पास ये जद्दोजहद थोड़ी देर से थी और जहनी हालत अब भी ठीक नहीं है। तुलबा का कहना है कि वो एक ऐसे एजेंट का शिकार हुए जिसने मुबैना तौर पर उन्हें कैनेडा के एक स्कूल में जाली ऑफर लेटर दिए। मुतासरा तुलबा में से एक ने अपने केस पर नज़रसानी का मुतालबा करने के लिए इस महीने कई दिनों तक मिसिसागा में कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के दफ्तर के बाहर डेरे डाले, ये कहते हुए कि वो और दीगर तलबा शिकार हैं, मुजरिम नहीं। कैनेडा से निकाले जाने वाले दर्जनों तलबा का कहना है कि उन्हें हिंदुस्तान में इमिग्रेशन एजेंट्स ने धोखा दिया। टोरंटो के मेयर के उम्मीदवार क्रिस साकोकिया को मुबैना तौर पर मौत की धमकियाँ देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो के मेयर के उम्मीदवार क्रिस साकोकिया को मुबैना तौर पर मौत की धमकियां देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। टोरंटो पुलिस ने मंगल को तस्दीक की। पुलिस का इल्ज़ाम है कि साकोकिया ने 5 जून को एक और शख्स को सूती और टेक्स्ट पैगामात भेजे जिसमें उन्होंने जान से मारने की धमकियां दी जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी है। साकोकिया जो क्रिस स्काई के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं माजी में कोविड-19 वैक्सीनेशन और मास्क मैंडेट के खिलाफ अपने एहतजाज की वजह से सुर्खियों में जगह बना चुके हैं। उन्हें 2021 में डग फोर्ड जैसे मुंतखब अहदेदारों और आवाम के अरकान को गोली मारने की धमकी देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और पीर को उनके ट्विटर पेज पर शेयर की गई एक वीडियो के मुताबिक उस पर 73 बार जुर्म का इल्ज़ाम आयद किया गया है। साकोकिया का अपना वीडियो बयान में कहना था कि मुझे पूरा यकीन है कि मुझे बरी कर दिया जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ जो कोई भी देख सकता है वो ये है कि बाहर जाएँ, इस वीडियो को शेयर करें और सबको बताएं कि मुझे वोट दें। साकोकिया ने वीडियो में मजीद कहा कि ये गिरफ्तारी डीप स्टेट की जानिब से साकोकिया को नाकाबिल इंतखाब करार देने के सिलसिले में ताज़ा तरीन कोशिश है। भारतीय महकमा मौसमियात ने तूफान बाइपर जॉय के मुमकिन खतरात के पेश नज़र रियासत गुजरात के ज़िला कच्छ और सोरा शटरा में रेड अलर्ट जारी कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारतीय महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान बाइपर जॉय कल शाम गुजरात की जाखवा पोर्ट को अबूर करेगा। तूफान के जेर असर कुछ के मंडवी साहिल पर आज भी तंदो तेज़ हवाएं और ऊंची लहरें बन रही हैं, जबकि दूसरी जाने मुंबई में तूफान के जेर असर हवाओं की वजह से मुतादित परवाजें मनसूख करके रनवेज बंद कर दिए गए हैं और शहर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ताकतवर समंदरी तूफान बाइपर जॉय भारतीय रियासत गुजरात के साहिल के करीब पहुँच गया, जबकि तेज़ रफ्तार गर्द आलूद हवाओं और समंदरी थपेड़ों से कम 7 अफराद अपनी जानों से पहले ही हाथ धो चुके हैं। बुहरा अरब में ऊंची लहरों के साथ मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने गुजरात के साहिली इलाकों को घेर लिया। दरख्त उखड़ गए और कई घरों की दीवारें गिर गईं। गुजरात के 8 अजला मुतासिर हुए हैं। स्कूलों में तातीलात का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत के लिए खतरा बनने वाला समंदरी तूफान बाइपर जॉय पेश नज़र पेशगी तौर पर माहीगीरों को समंदरों से वापस बुला लिया गया था और साहिल की करीबी आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय महकमा मौसमियात ने तूफान बाइपर जॉय के मुमकिन खतरात के पेश नज़र रियासत गुजरात के ज़िला कच्छ और सोरा शटरा में रेड अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय मीडिया का कहना है कि मुंबई के साहिल पर भी तूफान के जेर असर तोगयानी है और ऊंची लहरें पैदा हो रही हैं। भारतीय शहर पोरबंदर में शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के बाइस दरख्त उखड़ गए। गुजरात के साहिली इलाकों से 37,000 से ज्यादा अफराद का इनखला करा लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तूफान के बाइस गुजरात में ट्रेनों की आमदोरफ भी मुतासिर हुई और कई ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। Precise and effective.